हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल कुक विद यश में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मूंग का चीला, जो बहुत ही हेल्दी होता है और साथ ही बहुत ही टेस्टी भी होता है। मूंग का चीला हम मूंग की दाल से बनाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा हेल्दी होती है, और इसमें हम खूब सारे वेजिटेबल्स और पनीर डालते हैं, तो ये और भी हेल्दी हो जाता है। इसे ज्यादातर नाश्ते की तरह खाया जाता है, लेकिन आप इसे खाने में भी खा सकते हैं क्योंकि ये हैवी होता है। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। मूंग का चीला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप मूंग की दाल। इसे हमें अच्छे से वॉश करके भिगो के रखना है। इसे हम 2-3 बार पानी से धो लेंगे। इसे हमने वॉश कर लिया है। अब इसमें हमें इतना पानी डालना है जितने हमारी दाल डूब जाए, और इसे हमें सोक करने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ना है। अगर आप इसे मॉर्निंग में बनाना चाहते हैं तो आप इसे रात में ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। ये लीजिए, हमारी दाल बिल्कुल बढ़िया से सोख हो गई है। अब इसे हमें पीसना है। इसे हम मिक्सी के जार में निकाल लेंगे और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहने देंगे। जब हम इसे पीसेंगे, अगर उसमें पानी की जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे। दाल के साथ ही हमें इसमें 1 इंच अदरक के टुकड़े और 2-3 हरी मिर्च को पीसना है। बस अब इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। हमारा बैटर बिल्कुल बढ़िया से पिस गया है। इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच पानी ऐड किया था। आपको मैं बता दूं, मेजरिंग कप से 1 कप मैंने दाल लिया था। इससे कम से कम 8 से 10 चीला आराम से बन जाएगा। अभी इसमें हम नमक नहीं डाल रहे हैं और इस बैटर को रखते हैं साइड। चलिए स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए हम गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे, उसमें थोड़ा सा तेल ले लेंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल देंगे। इसके साथ ही 1/2 टीस्पून अदरक का पेस्ट डाल देंगे। ये भुन गए हैं। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 1 प्याज को बारीक कट करके ले लिया है। प्याज को हल्का सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। प्याज हमारी जल्दी भुन जाए, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं। प्याज हमारी बिल्कुल बढ़िया फ्राई हो गई है। अब इसमें हम बाकी के वेजिटेबल्स को ऐड कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं गाजर। ये 1 गाजर को मैंने रफली चॉप करके ले लिया है, वो इसमें डाल देते हैं। साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं 1 शिमला मिर्च रफली चॉप किया हुआ। मेरे पास थोड़े से स्वीट कॉर्न्स हैं, ये फ्रोजन स्वीट कॉर्न्स हैं, ये इसमें हम डाल रहे हैं। अगर आपके पास स्वीट कॉर्न्स ना हो तो आप उसकी जगह पे मटर, बीन्स या और भी कोई आपकी मनपसंद सब्जियां डाल सकते हैं। सब्जियों को थोड़ा लो फ्लेम पे पका लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा और नमक ऐड कर रहे हैं। याद रखना है, हमने नमक पहले भी डाला हुआ है। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल रहे हैं, लगभग 1/4 टीस्पून, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और इसके साथ ही 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बस सभी मसालों को इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन लगा करके पका लेंगे। हमारी सब्जियां बिल्कुल अच्छे से सॉटे हो गई हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसमें हम अब ऐड करेंगे अपना पनीर। मैंने यहाँ पे लगभग 250 ग्राम पनीर लिया है। ये घर का बनाया हुआ पनीर है। मूंग के चीले में पनीर की स्टफिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। अगर आपको इस पनीर की रेसिपी चाहिए कि घर पे आसानी से पनीर कैसे बनाएं, तो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अपने स्टफिंग के साथ पनीर को भी ऐड कर देते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे सारे नए वीडियोस के अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाए। तो लीजिए, हमारा स्टफिंग हो गया है रेडी। अब इसे हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। आपको तो याद ही होगा, मैंने बैटर में नमक डालने के लिए मना किया था। तो लीजिए, अब आ गई नमक डालने की बारी। इसमें हम 1/2 टीस्पून नमक डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, हमारे चीला के बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए।
बस अब चीला बनाने के लिए हम गैस पर एक तवा चढ़ा देंगे। तवे पे सबसे पहले हम ऑयल लगा देंगे और उसे गर्म होने के बाद उसे वाइप कर देंगे, जिससे तवा थोड़ा ठंडा हो जाए। याद रखना है हमें कि हम जितनी बार भी चीला बनाते जाएंगे उतनी बार हमें ये यही प्रोसेस करना है, क्योंकि हमें अपने बैटर को ना ज्यादा गर्म और ना ज्यादा ठंडे तवे पे डालना है। मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज के कलछुल का यूज किया है बैटर को फैलाने के लिए। आप इसकी जगह पे कोई कटोरी वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। चीला के साइड साइड में हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, जिससे ये आसानी से क्रंची हो सके। गैस के फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है और इसे धीरे धीरे पकने देना है। ये लगभग पक चुके हैं, क्योंकि इसने अपना कलर चेंज कर दिया है। अब इसके ऊपर हमने जो बैटर तैयार किया है वो इसके एक साइड में लगा लेंगे। चीला को सिर्फ हम एक ही साइड से सेकेंगे, दूसरे साइड से नहीं, क्योंकि ये एक तरफ से क्रंची और अंदर से ये सॉफ्ट लगता है, यही इसकी खास बात है। बस इसे अब हम तवे पे से उतार लेते हैं और कर देते हैं गर्मा गर्म सर्व। तवे पे हमने पहले जो तेल लगाया था और उसे वाइप कर दिया था, उसी की वजह से ये आसानी से तवे पे से निकल गया है। ये देखिए हमारे चीला के ऊपर कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। तो चलिए बाकी के चीला को भी हम इसी तरह तैयार कर लेते हैं। फिर से हम थोड़ा सा ऑयल लगा करके तवे पर वाइप कर लेंगे और बैटर को चीला का शेप देंगे। थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा देंगे, जिससे ये अच्छे से पक जाए। फिर हम इसके ऊपर अपनी टेस्टी टेस्टी स्टफिंग लगा देंगे। ये देखिए हमारा चीला बिल्कुल अच्छे से सिक गया है। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। मूंग का चीला को मैंने नारियल की चटनी के साथ सर्व किया है। अगर आपको ये नारियल की चटनी की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आप मेरे इस मूंग के चीला की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत पसंद आएगा। इससे बनाना भी कितना आसान है आपने देख ही लिया। चलिए अब आपको मैं इसके कुछ फायदे के बारे में बता दूं। मूंग के दाल में भरपूर मात्रा में विटामिन्स होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई, और इसमें प्रोटीन भी होता है। और इसके साथ ही साथ ये आपके बॉडी के ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखता है और ये हमारे इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो है ना ये कितना हेल्दी। तो आप इसे जरूर बनाइए। आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस मूंग के चीले का लुत्फ उठा सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, मैंने वहाँ पे इजी शॉर्ट्स रेसिपीज डाला हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी आईडी का लिंक है, तो आप उससे वहाँ पे क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैंने इससे पहले सूजी के चीला की रेसिपी और डोसा की रेसिपी डाला हुआ है, आप उसे यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। आपसे मैं फिर मिलूंगा अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।